कैसे आप लोग। और आज मैंने व्लॉग थोड़ा लेट शुरू किया, मैं स्टूडियो था तो सुबह घर आया तो सो गया था। तो आज मैं जा रहा हूँ बाइक को सर्विस करवाने। सो आज बाइक की सेकंड सर्विस है, मिलते हैं आपको सर्विस स्टेशन। मंडी मंडी गाइस, अभी मैं आ चुका हूँ अपने जावा के शोरूम में। और ये भाई अपने नहीं, मैं मेरी बात सुनो ना, कंप्लेन है भाई, कंप्लेन है। मैं इधर देखो, इधर अब ये नहीं बोलना कि ये गिरा होगा या ये होगा आपके पास। ये 40 की स्पीड क्यों शो कर रहा है? ये खड़ी खड़ोती 40 की स्पीड क्यों शो कर रहा है? ये खड़ी खड़ोती है भाई, ये मैं ये लो, ये क्यों है 40 की? ये देखो, ये सुई देखो, मन कर रहा है कि मुझे दौड़ाते रहो। उधर देखो, एक चीज और, मैंने लास्ट टाइम मडगार्ड डलवाया था ना, तो ये मडगार्ड देखो, ये अभी मैंने ध्यान से देखा, ये इसकी बोल अलाइनमेंट सही नहीं बैठी है। मडगार्ड, हाँ ये मडगार्ड की अलाइनमेंट ठीक है, ये ठीक करवानी है। और वो स्पीडोमीटर नहीं होगा ना, नहीं होगा ये देखो, ये इसका गैप है ना, जो इसका ज्यादा है वहां से कम है, ठीक है। तो ये वही कर सकते हैं, ये बड़े टाइट है। ओ भाई देखो देखो देखो, ये अब ये नहीं कहना कि ये मत करो, फिर बाद में कहोगे ये किसी ने उखाड़ा होगा, कोई बैठा होगा। नहीं, ये यहाँ से करना पड़ेगा। मेरी बात सुनो ना, ये ठीक होगा, ठीक है, ठीक कर देंगे ना, आज सर्विस है इसकी, ठीक है, हो जाएगा ना। पैसे तो नहीं लोगे इसके, सर्विस फ्री है अभी मेरी, 4 तो फ्री है ना, अभी एक ही हुई है। सो गाइस, ये अपना जावा का शोरूम, और यहाँ से आप जावा की बाइक लो, सबसे ज़बरदस्त बाइक यही है भाई अपनी जावा की, देख रहे हो ना। और ये भी बहुत अच्छी बाइक है, अभी पता नहीं ये नहीं कब तो मैं भी ब्लॉगिंग पे आ गया हूँ, मेरे से करवा लो प्रमोशन। चलो ठीक है गाइस, अभी सर्विस स्टेशन जाते हैं, वहाँ से करते हैं सर्विस करवाते हैं, ठीक है। गाइस अभी मैं आया हूँ सर्विस सेंटर, और यहाँ पे देखो यार क्या बाइक लगी हुई है, ये देखो ये कितनी प्यारी बाइक है, देखो इसको बैक सीट भी लग जाती है यार, मेरी पिराको भी लग जाती है, पर मैं खुद ही नहीं लगवाता यार, उससे थोड़ी शो ना अजीब सी हो जाती है इसकी, क्योंकि ये बोबर बाइक होती है, बोबर बाइक सिंगल सीट होती है, तो वो सिंगल सीट ही ज़्यादा अच्छी लगती है ना। सो ये भी है एक 42 बोबर, ये भी बहुत खूबसूरत बाइक है, क्योंकि ये भी बोबर बाइक है, ये भी सिंगल सीट ही आती है। तो भाई अभी बिल बना है कोई 2100 का सर्विस का मेरी, तो क्योंकि मीटर वगैरह भी वहाँ पे ख़राब है, अलाइनमेंट भी सीधी करवानी है, और भी है एक चीज़ प्रॉब्लम, वो भी ठीक करवानी है। चलो ठीक ही है, इतना ज़्यादा कॉस्ट नहीं किया, बुलेट से कम ही किया, बुलेट मेरा बड़ा कॉस्ट करता है, ठीक है ठीक है। चलो यार जावा ये चीज़ ठीक है, बट ये वाली बाइक यार बड़ी सेक्सी बाइक है, ये हमारे बंदे ने भी लिया है एक ये वाली बाइक, अभी सर्विस वगैरह होती है, फिर चलते हैं हम स्टूडियो में, आज देखते हैं, आज भी करते हैं कुछ पंगे शंके, ठीक है, जैसे कल जैसे हमने जेरी के साथ किया था कल, देखते हैं आज किसी के साथ करने की कोशिश करते हैं, तो चलते हैं। सो गाइस अभी मैं आ चुका हूँ स्टूडियो, और मैंने बाइक की सर्विस करवाई है, और बहुत ही अच्छी सर्विस दी है यार उन्होंने, मेरा ये भी ठीक कर दिया पीछे से अलाइनमेंट, और भाई मीटर बिल्कुल नया वाला डाल के दिया, बिल्कुल नया वाला, ठीक है, और एयर फिल्टर भी चेंज किया, और बिल्कुल जेन्युइन प्राइस दिए, ठीक है, और सिर्फ एयर फिल्टर का मुझे आज एक्स्ट्रा कॉस्ट पड़ा 600 का, बाकी जो सर्विस कॉस्ट है बुलेट से तो सस्ती पड़ी है भाई मुझे, ठीक है। और सर्विस बहुत अच्छी देते हैं यार भैया ने पूरा मीटर ही चेंज कर दिया, कोई पैसा नहीं, मीटर ही चेंज कर दिया, और भैया ने ये भी बोला कि भाई वारंटी एक्सटेंड करवा दो बाइक की, ज़्यादा फ़ायदा रहेगा, 2 साल की वारंटी एक्सटेंड करा दो। सो भी मैं 2 साल की वारंटी भी एक्सटेंड करवा दूँगा, क्योंकि कोई भी डिफॉल्टर रहता है यार, अब मेरा पूरा सामान फ्री में चेंज हो जाता है, तो सर्विस कॉस्ट भी कुछ नहीं करती है यार, 2000 रुपये मेरी जो हमारी जो बुलेट है ना क्लासिक, वो भी 3500 करती है, बट ये सस्ती कॉस्ट करती है। और सो भी बाहर जेरी भी आया हुआ था, अभी अंदर बैठा होगा, मोटरसाइकिल बाहर देखी है इसकी मैंने, जेरी तो ये बैठा हुआ है, जय ये लेटा हुआ है, ये कौन है, आदित्य है, जेरी कुदरा। तो ये अपना सूरज आज मैं जो बिग शो लग रहा है पूरा, यहाँ पे देखो आ चुका है रोजलू
आज फिर से बाइक वहीं पे लगाई हुई है गाइस, तो आज फिर से इसकी बाइक उठा ले। आप बताओ मुझे वो वाला प्रैंक आपको कैसा लगा था? तगड़ा था ना। शक्ल देखा माने ना मुहे भूल नहीं पौंदी लाई दी। गिटार नहीं तोड़े हम, स्ट्रिंगा महंगी है री। सो अभी हम जा रहे हैं बावे, तो बावे जाके मथा मुथा टेकते हैं। थोड़ा इसने जो नौकरी के लिए अप्लाई किया हुआ है तो उसका भी अभी रिजल्ट आने वाला है जल्दी। केड़ी नौकरी? साला ये थोड़ी सुनाना होता माने तो इन्हें नहीं पता चल जाता कि तू यूट्यूब दे सारे क्या। मैं यूट्यूब दा सारा फिल्म गाइस, इन्हें इन्ना लग जाता मुड़ा मैं पढ़ा है नहीं। सो गाइस ये पढ़ रहा है, ये ले रहा है ट्रेनिंग कोचिंग भी ले रहा है ये रेडी रूडी लगाने की, कुलचे सुलचे बनाने की पूरी वो कर रहा है। अभी लांगरी लुंगरी की ले रहा है ये ट्रेनिंग यार, क्योंकि थाने में लांगरी लगेगा ये। ठीक है, सो मिलते हैं बावे आपको। अभी हम जा रहे हैं बावे, बावे मथा टेकन जूनो मंगलवार, और ये अभी प्रगट आज हमारे साथ चल रहा है माए। हेलो हेलो हेलो, मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग मालिश चिकी। ये क्या है अखा देख मां ने सुती दी अज तक उथे मंदिर मथा टेकते इना करी सही नहीं जाया माने। सो मेरी गल सुनना, इधर ते उसी नहीं दया। तो अभी मैं चला रहा हूँ R15, आपको पता है ना ये R15 एक बार चोरी हो चुकी थी, फिर हमने ढूंढी चाड़ियों के पीछे थी। क्या कर रही थी ये चाड़ियों के पीछे? ये भी गंदे काम करती है। एक दलाल था हमारे पास, ठीक है। क्या था? एक दलाल था बंदा हमारे पास ना, दलाल उस, हाँ वही सेम लगा लो, उस दलाल ने ना छुपा दी थी मेरी बाइक। अच्छा दलाल। सो अभी हम जा रहे हैं बावे मत्था टेकन। बावे वाली माता, अभी हम बावे से होके आ चुके हैं और अभी हम जा रहे हैं वापस स्टूडियो। शक्ल दिखे क्या हाल है? ठीक है तेरी? ये शक्ल पता कने बना दा, वो देखा शक्ल पने पता कने बना दा, इना ब्याह विच आया उन्होंने नहीं कोई सटी लगी नहीं बाती ड्यूटी कंदे दिखाई है, ड्यूटी कंदे कर देना करा इना। सो भाई अभी हम जाते हैं स्टूडियो, अभी आ चुके हैं स्टूडियो और पीछे अविनाश की गाड़ी आई है और जेरी भी जा रहा है उसमें, थोड़ा जा रहे हैं वो घूमने के लिए। तो अभी हम स्टूडियो बैठेंगे थोड़ी देर और मैं भी थोड़ा काम कर लूँ, थोड़ा ना गाने शाने बचे हुए हैं बंदों के, दो गाने बचे हैं वो देने हैं। सो अभी जा रहा हूँ मैं स्टूडियो, तू साइड हो कौन ही लभन जा दी। सो अभी देखते हैं यार। तो आंटी मंडी गाइस, आज का दिन बड़ा बोरिंग था तो मैं आया हूँ घर पे, और घर पे है मेरी मम्मी शम्मी मम्मी भाई गोरी चिट्टी लगाई कसम से, बाकी सारे गोरी चिट्टे लगे बना दी पहले भी इसना। क्या हाल है आपका? सो गाइस आज खाना भी नसीब नहीं होगा भाई को, भाई मरेगा भूखा। मम्मी किकी मेरी गल सुनना, 60 रुपए तो देई गए सदियां डोसा खागे यार, 60 रुपए डोसा विंगार्डियम लेवियोसा 60 रुपए का डोसा, 60 रुपए का डोसा रैपरू विंगार्डियम लेवियोसा 60 रुपए का डोसा पितृदेव संरक्षणम। सो भाई आज कोई मम्मी तुम नवा प्रैंक देखे जेड़ा जेरी कने कीते दा? क्या कहते भाभी आपने वो प्रैंक देखा नया वाला, और जो जेरी की बाइक हमने चुरा ली
भाई वो रोना शुरू हो गया पूरा ब्लॉग देखना आपको। सो भाई जल्दी से जल्दी हमने 2000 सब्सक्राइबर का टारगेट भी पार करना है, ठीक है। अब देखो यार डेली डेली तो मैं, मेरी जिंदगी इतनी फिल्मी तो है नहीं कि आपको डेली डेली कोई तगड़े से क्यूट गर्ल वाले प्रैंक या ये वो फलाना टिंगड़ा मिलेगा, ठीक है। कभी कभार सिंपल लाइफ भी होती है मेरी। सो ये देखो, ये भी हमारा ताजमहल है, पिछले 8 साल से काम लगा हुआ है इधर, 8 से भी ज़्यादा, तो ये कंप्लीट नहीं होता। ये देखो अभी फिर इसके बाद पापा को कोई होगा कोई थोड़ा सा तो फिर वो कोई और काम लगा देंगे। तो आज बाइक भी मैंने सर्विस कराई, मेरी बाइक पर जाए, मेरी बाइक आज लग रही है ना, लग रही है ना बंदों वाली बाइक, तो जी लग रही है, चमक रही है कसम से। ओ बाइक, बाइक ही बाइक है ये, बाइक एक ही लोती बाइक है अपने पिंड में, ऐसी कोई बाइक नहीं है, 56 पिंड में एक बाइक। सो गाइज अगर आपको कंटेंट मिला ठीक है, वरना फिर आज के लिए गुड बाय।